आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं शिवम आपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार एप्स ड्राइवर सेटिंग के अंदर स्क्रोल बार सेटिंग एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ओरिजिनल लेआउट और यहाँ से A to Z आपको देखने को मिल जाता है। तो इन्हें कैसे यूज किया जाता है और यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल लेआउट पे क्लिक करते हो या A to Z पे क्लिक करते हो तो कहाँ पे परिवर्तन पड़ता है, वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब यहां पे आपको करने के है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहां पे देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो यहां से देखने को मिलता है एप्स ड्राइवर सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखने को मिल जाता है स्क्रोल बार ओरिजिनल लेआउट सेटिंग। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर एप्स ड्राइवर सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है तो यहां पे देखने को मिलेगा होम स्क्रीन सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना और यहां से आपको विद एप्स ड्राइवर पे क्लिक कर लेना है और ये सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इस सेटिंग के अंदर स्क्रोल बार सेटिंग से क्या होता है। तो इस सेटिंग से यह होता है कि आपके एप्स ड्राइवर के अंदर परिवर्तन पड़ता है। अगर वहां पे आप A to Z सेट करना चाहते हो तो आप A to Z सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे अभी ओरिजिनल लेआउट सेट करके रखा है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि यहां पे आपका परिवर्तन पड़ता है। यहां से आपको अपना एप्स ड्राइवर ओपन करना है। एप ड्राइवर ओपन करने के बाद यहां पे आपका जो यहां पे देखने को मिल रहा है सारा का सारा एप्लीकेशन और यहां पे आपको जो देखने को मिल रहा है इस तरह का लकीर जैसा यहां पे आपको नीले कलर का देखने को मिल रहा होगा तो यहीं पे परिवर्तन पड़ता है। अगर यहां पे आप A to Z सेट कर लेते हो तो यहां पे आपका A से Z तक पूरा आपको यहां पे वो देखने को मिल जाता है ABCD और उस पर जब क्लिक करते हो तो उसी कैटेगरी का आपका यहां पे एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाता है। जैसे ही मैं यहां पे फिर से थ्री पे क्लिक करता हूं डायरेक्ट सेटिंग यहीं से ओपन हो जाती है। यहां से देखने को मिलेगा स्क्रोल बार, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद A to Z पे क्लिक करना है। जैसे आप A to Z पे क्लिक कर देते हो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां से आपका ABCD पूरा A से Z तक आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहां पे देखने को मिलता है मैं C पे क्लिक कर देता हूं तो हमारे C कलर के यानी कि C नाम से सारे स्टार्ट होने वाले एप्स हमें यहां पे कुछ जूम होकर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे अपने मोबाइल फोन के अंदर स्क्रोल बार के अंदर ओरिजिनल लेआउट और यहां पे A to Z ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।